वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है अभी? उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, अल्लाह की रहमतें और बरकतें समेट रहे होंगे, अल्लाह की नियमतों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे। अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत दे, आपके खानों में जायका दे, आपके जायकों को सलामत रखे। हाँ, तो बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही है, मैंने सोचा कि सलार की माँ जी सलार के दोस्तों से मिल लें। ज़िलहज गुजर गया, कुर्बानी का गोश्त कुछ लोगों ने खा लिया, कुछ ने रखा हुआ है। जहाँ जिन लोगों ने गाय की थी उनके पड़े हुए हैं, कुछ खा कुछ लोग 6 महीने तक रख रहे हैं, कुछ 2 महीने तक अपना हिस्सा लोग रख रहे हैं और खा रहे हैं, मना कोई नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि भरन से पहले ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन नहीं, हलाल चीज़ है वो हराम कैसे हो सकती है? क्योंकि कुछ लोग यही कहते हैं कि भरन तक अगर वो ख़त्म ना किया जाए तो हराम हो जाता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, एक साल आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आप लोग गोश्त को सिर्फ 3 दिन के लिए इस्तेमाल करें, इसके बाद लोगों को, क्योंकि उस साल लोगों ने कुर्बानी कम की थी तो इसलिए लोगों ने गोश्त कम रखा 3 दिन के लिए और लोगों में तकसीम कर दिया गया। और दूसरे साल आपने फरमाया अब तुम अपने हिस्से का गोश्त अपने लिए रख सकते हो, क्योंकि अरबों में ये रिवाज था कि वो लोग खुश करके गोश्त खाते थे, इसलिए इसमें कोई मानियत नहीं है, आप खाएं 2 महीने 1 महीना जैसे। हाँ, तो मुहर्रम शुरू हो गया, आज है 8 मुहर्रम मुहर्रम, और कल जब तक मेरी वीडियो अब तक पहुँचेगी तो 9 मुहर्रम शुरू हो चुका होगा। रमज़ान के रोज़ों की बहुत फजीलत है, लेकिन आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुहर्रम के रोज़े की भी बहुत फजीलत है। अशूरा का रोज़ा, जिसको 10 मुहर्रम का रोज़ा कहते हैं, कहेंगे हम लोग रखते हैं, आप लोग भी रखते होंगे, और इंशाल्लाह 9 का भी रखेंगे और 10 का भी रखेंगे। क्योंकि इसमें यह है कि पहले जब आप सलाह के दौर में भी लोग अशूरा का रोज़ा रखते थे, 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा जाता था, सहाबा कराम भी रखते थे, उम्मुल मोमिनीन भी रखती थी। फिर जब लोग आप लोग हिजरत करके मदीना आए तो वहाँ देखा कि यहूदी लोग रोज़ा रखते हैं 10 मुहर्रम का, तो आपने उनसे पूछा कि ये रोज़ा आप क्यों रखते हैं? उन्होंने कहा कि हम लोग रोज़ा इसलिए रखते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम को नजात मिली थी फिरौन से, वो उसको ईद का दिन भी कहते थे, नजात का भी कहते थे, इसलिए वो रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम तो इससे इस ज़्यादा हकदार हैं इस बात के कि हम 2 रोज़े रखें, क्योंकि हम सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। इसलिए आपने फरमाया अगर मैं अगले साल जिंदा रहा तो मैं 9 मुहर्रम का भी रोज़ा रखूँगा। इसका मतलब ये हुआ कि रोज़ा 9 का भी रखना चाहिए, क्योंकि एक रोज़ा रखने से यहूदियों की मुशाबत हो जाएगी। इसलिए जब हम मुहर्रम का 9 और 10 का रोज़ा रखेंगे तो फिर हमारी उनसे मुशाबत नहीं होगी, और हमें 2 भी रखने चाहिए, बहुत फजीलत है। और इंशाल्लाह हमने भी कल रखना है, मेरी बहुएँ भी रखेंगी, और फिर अफ्तारी होगी, और इंशाल्लाह हम लोग फिर आपको अफ्तारी के में मिलेंगे। और अल्लाह ताला आप पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल करें, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।